हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। सो आप में से लगातार ये चीज़ पूछ रहे थे कि BHU का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब तक आ जाएगा, मीन्स जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है वो आपकी कब तक यहाँ पर जारी हो जाएगी, उसी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो BHU ने जो है यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो है 1 या फिर 2 अगस्त को आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगा। तो आज 2 अगस्त है, तो आई थिंक आज जो है आपका शाम तक यानी कि इवनिंग तक जो है आपको जो कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, आपकी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद एक्चुअली आपको क्या करना होता है, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट आ गया, आपको कोई कोर्स मिल गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आप उसको अपग्रेड पे डालना चाहते हो तो क्या सीन होता है? क्या आप यहाँ पे उसको कर सकते हो, मतलब इस तरीके का कोई ऑप्शन आता है या फिर नहीं आता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे ही आपका यहाँ पे BHU आज शाम तक जो मेरिट लिस्ट है वो आउट करता है, रिलीज़ करता है, तो आप जो क्या करेंगे, अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स अलॉटमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है, मीन्स कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, वो वहाँ पर शो कर जाता है, ठीक है। वो अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको नहीं मिला तो फिर नहीं शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको मिल गया तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिला है। और उसके बाद क्या करना होता है कि आपको फ़ीस पे करना होता है। अब कई स्टूडेंट क्या है कि ये गलती कर देते हैं कि फ़ीस पे नहीं करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मुझे अभी ये वाला कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, मेरे को नेक्स्ट राउंड में अच्छा मिल जाएगा या फिर मुझे नेक्स्ट राउंड में कोर्स अच्छा मिल जाएगा, इस तरीके से वो पहले ही सोचते हैं। लेकिन देखो यार, ऐसा नहीं होता है, आपको फ़ीस तो पे करना पड़ेगा। पहले जब आप उनका फ़ीस पे करेंगे, अपना चॉइस जो आपको मिला है उसको लो करना चाहते हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपग्रेड पे डालना है, मतलब मुझे इससे और अच्छा अगर मिल रहा है, इससे और अगर मेरे को बेटर मिल रहा है तो मैं उसमें एडमिशन लूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी वहाँ पर ऑप्शन होता है अपग्रेड करने के लिए, वो आपको वहाँ पे साथ साथ में क्या करना होता है, टिक करना होता है। पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो जब आप उस पर कर देते हो तो जब सेकेंड राउंड यहाँ पर निकलता है तो अगर आपको एक्चुअल में मिलना होता है, अगर आप वो क्राइटेरिया फिलफुल कर रहे हो, कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो फिर जो है आपको अच्छा कॉलेज या फिर लाइक अगर आप अच्छा कोर्स सिलेक्ट करना चाह रहे थे तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। अगर आपका हो रहा है एडमिशन तो आप फ़ीस पे करेंगे, ओके। अब इसके साथ ही अगर आपको मतलब जो आपने फ़ीस पे किया है उसके अलावा, मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मुझे कोई और कॉलेज मिल गया, ठीक है, कोई एफिलेटेड कॉलेज मिला है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि फ़ीस आपने जो पहले पे किया था वो फ़ीस आपका ज़्यादा था, या फिर बाद में आपको सेकेंड राउंड में जब आप अपग्रेड के लिए करते हो तो फिर जो जब अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है उसका फ़ीस कम होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे दोबारा से उसमें फ़ीस पे करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, दोबारा से आपको फ़ीस वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। आपको क्या होगा कि जो है वही सारा फ़ीस जो है आपका जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि सारे कॉलेज जो भी अफिलेटेड कॉलेज है वो BHU से इंटर कनेक्टेड है, तो जो है फिर आपका वो वाला फ़ीस वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इनकेस अगर आपका फ़ीस ज़्यादा था तो वो रिफ़ंड भी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, जितना आपका कोर्स का फ़ीस है उतना ही मिलेगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो लग जाए, मींस जो प्रोसेस है वो थोड़ा आपका लंबा हो, लेकिन जो है एंड में आपको जाके वो फ़ीस मिल जाएगा। जब आप कैंपस विजिट करते हो तो आपको एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे देना होता है और ईजिली आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है अगर आपका ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर लग रहा है। तो अब यही है, आपको वेट करना है, आज शाम तक जो है आपका जो एडमिशन का लिस्ट है वो BHU जारी कर देगा। क्योंकि ये चीज़ मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि 1 या फिर 2 अगस्त को आ जाएगा। 1 तो एंड हो ही चुका है, आज 2 अगस्त है, अभी जब तक मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ आफ्टरनून चल रहा है, और इवनिंग में आई एम श्योर कि आपका जो रिजल्ट है वो BHU यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। और आपको जैसे ही यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिलता है तो आप BHU की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपने डैशबोर्ड में सारा प्रोसेस आपको देखना है। बाकी और अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना, जैसा भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा, आपको चैनल के थ्रू भी यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी दे सकूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच।